तो कैसे हैं आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन, आप देख रहे हैं आर एम गेमिंग जोन। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया एक अनदर ड्राइविंग गेम के मोड एपीके के ऊपर वीडियो। सो दोस्तों, गेम का नाम है कार पार्किंग प्रो, जिसका आपके लिए लाया हूं मैं मोड एपीके, जिसके अंदर आपको मिल जाता है अनलिमिटेड मनी और साथ ही साथ आप इसमें कार्स को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, गेम को प्ले करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो ऐप का होना ज़रूरी है, जैसे कि एक ब्राउज़र और दूसरा जेड आर्चीवर ऐप। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि जेड आर्चीवर ऐप को किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फुली डिटेल ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना रखा है इसके ऊपर। और दोस्तों, ऐप ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली 4 MB का ऐप है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर क्लिक करके भी जेड आर्चीवर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना सिंपली प्ले स्टोर से जाके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं डाउनलोडिंग प्रोसीजर को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, डाउनलोडिंग प्रोसीजर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी, तो उसमें आप चाहें तो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि भाई, आप यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो अपने फ़ोन का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र या फिर कोई भी अनदर इंस्टॉल ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम APK को डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना जो है ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, आपको सर्च बार पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, सर्च बार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। और दोस्तों, जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं पता कि उसे कैसे ओपन किया जाता है, तो दोस्तों आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से डिस्क्रिप्शन ओपन होता है। तो जिन्हें पता है वो वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, जिन्हें नहीं पता वो उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक APK के नाम से लिंक मिलेगा, कार पार्किंग प्रो के नाम से। तो आपको उसको या तो आप उसे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए अपने ब्राउज़र पे, या फिर आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके भी जा सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है, कोई भी अदर मेथड नहीं है। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और आपका ब्राउज़र का एक ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना है। उसके बाद सिंपली आप अपने जो लिंक है उसे रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे, और जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। लिंक कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा था। सिंपली आपको जो लिंक को ऐसा कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, पेस्ट के ऑप्शन पे पेस्ट पे दबा देना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लिंक है वो पेस्ट हो चुका है। सिंपली आपको गो पे क्लिक कर देना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल रीडायरेक्ट हो चुके हैं आपके सामने। APK का मोड APK का जो लिंक आ चुका है, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैं इसे डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि OBB को कैसे डाउनलोड करना है। वैसे बताऊँ तो OBB को भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, उसका भी लिंक आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो जल्दी से OBB का भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अपना ब्राउज़र दोबारा से ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको वही प्रोसीजर सेम करना है कि आपको सर्च बार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोस्तों, आपको OBB के नाम से एक लिंक मिलेगा, जिस पर लिखा होगा कार ट्रैकिंग प्रो OBB लिंक। तो आपको उसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है, या फिर आप उसे भी सिंपली डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और रीडायरेक्ट हो सकते हैं वेबसाइट पर। जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल डायरेक्ट लिंक लाया हूँ आपके लिए, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ लिंक को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो लिंक है वो पेस्ट हो चुका है। सिंपली आपको गो पे क्लिक कर देना है और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे जिप फाइल के लिए। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने जैसे कि दिख रहा होगा आपको, जिप का डायरेक्टली लिंक आ चुका है। बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है, कोई आपको अदर मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बिल्कुल डायरेक्ट लिंक लाया हूँ। सो दोस्तों, आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है। आगे का प्रोसीजर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो आगे का काम करना है वो करना है जेड आर्चीवर ऐप से। तो दोस्तों, आपको उस ऐप को भी इंस्टॉल कर लेना होगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ये नहीं बताने वाला मैं कि किस तरीके डाउनलोड करना है। सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने जेड आर्चीवर आपके प्ले स्टोर पर ओपन हो जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी जाके भी खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। 4 MB का ऐप है, ज़्यादा बड़ा ऐप नहीं है, आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो जल्दी से जेड आर्चीवर ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं कि जेड आर्चीवर का इंटरफेस है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लग रही है लोगों को इसे यूज़ करने में, तो मैंने इसका ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। और एक और चीज़ में जो दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि दोस्तों, कि मैंने जो अभी अपना जो फ़ोन को होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, वो इस पोजिशन में पकड़ रखा है, ट्रायंगल की शेप में, मतलब कि मैंने इस तरीके से। और दोस्तों, आपके सामने जो ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं वो इसी शेप, इसी तरीके से अगर आप पकड़ेंगे तभी आएंगे। जब आप अपने फ़ोन को स्ट्रेट पकड़ेंगे तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन को यूज़ करना है आपको। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, ये 3 के 3 जो ऑप्शन हैं वो आ चुके हैं।
तो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हमारे में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहे थ्री, तो इस तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस ऐप को ओपन कर लेने के बाद उस फोल्डर में जाना जहाँ पर आपकी जो गेम है वो डाउनलोड हुई है। तो जैसा कि आपको पता है मैं यूसी मिनी यूज़ कर सकता हूँ, तो यूसी डाउनलोड मेरा ये फोल्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जो हमने चीज़ें डाल दी, एक एपीके डाला था और एक जिप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एपीके इसको इंस्टॉल कर देना। तो इसको इंस्टॉल कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ओपन लिखा हुआ है, आपको ओपन पर क्लिक करना है सिंपली। और दोस्तों आपके सामने स्क्रीन इंटरफेस आएगा, उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल पर दबा के। तो दोस्तों जो आपकी जो एपीके वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एक और प्रोसीजर करना है, आपको ओपन पे क्लिक नहीं करना है, एपीके गेम ओपन नहीं होगी जब तक आप दूसरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एपीके वो इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप दोबारा से उसी पोजिशन मतलब उसी उसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो zip फाइल है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक्सट्रैक्ट, आपको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों मैं आपको उस तरीके से मेथड से बताने वाला हूँ कि जैसे आप अपने फ़ोन को स्ट्रेट पर करते हैं तो उससे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस ट्रायंगल में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दिख रहा है डिवाइस मेमोरी ये, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड पे दोस्तों आपको एक ही बार दिक्कत होगी, एक बार आपको पता चल गया तो आप खुद ही इसे कर लिया करेंगे। फिर आपको यहाँ पर OBB पे दबाना है, जितनी भी zip फाइल होती है वो ज़्यादातर OBB में ही जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सर्कल ऑप्शन, ये होता है पेस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पे आप इस पर दबा देंगे तो जो आपकी जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अप्लाई ऑल पे कर देना है क्लिक और रिप्लेस कर देना है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि तो गेम की जो इमेज है वो आ चुकी है इस पर। अब आपको सिंपली अपनी गेम को ओपन करना है। जल्दी से आपको मैं गेम को ओपन करके उसका गेम प्ले दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स आपके सामने जब आप गेम को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है और जो आपकी गेम है वो ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों मोड बिल्कुल वर्किंग है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि मेरा वर्क जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली राइट साइड में दिख रहा होगा कि जो मनी है वो अनलिमिटेड है। सिंपली आपको सबसे पहले मैं सेटिंग्स की बात बताता हूँ। सेटिंग्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर आपको सिंपली कंट्रोलर्स मिल जाते हैं थ्री टाइप्स के, इसमें कि एक व्हील, एक एरोज और स्लाइडर। तो ये आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको पसंद हो। यहाँ पर आपको अब दिखा देता हूँ मैं गैराज में ले जाकर। तो दोस्तों गैराज के अंदर जो आपको चीज़ें मिल जाती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो कार जो है वो लॉक्ड है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो कार्स हैं वो अनलॉक हो सकती हैं, आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ सीज़न टू। तो यहाँ पर जो मेन जो है वहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ करियर के अंदर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीज़न वन। तो सीज़न वन की जो कार है वो आपके पास है, सीज़न टू की जो कार है जैसे आप सीज़न टू को अनलॉक कर लेंगे यहाँ पर मिशंस करके, मिशंस ये कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आपकी जो वो कार है वो आप अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मनी अनलिमिटेड है। तो इसी तरीके से जितने भी सीज़न है उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कार्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि सीज़न टू, ये देखिए आपको सीज़न टू की एक और कार मिल जाएगी सीज़न थ्री में, देखिए। तो इस तरीके से आप जितनी भी कार्स हैं उन्हें अनलॉक कर सकते हैं सीज़न वाइज क्लियर करके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कार मिल जाएगी अनलॉक जो आप जिस तरीके से करना चाहें। और दोस्तों आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है अपग्रेड का, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो कार सेटअप के अंदर आप जाके उसको कार को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ये इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इंजन अपग्रेड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं अपग्रेड। कलर के अंदर आप दोस्तों मेनली कलर्स को कर सकते हैं, जो भी आपको कलर पसंद हो उस हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। अब आप बता देता हूँ कि रिम्स यानी कि आप टायर्स ये भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो। दोस्तों उसमें आपको टायर्स बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे उसके मिल जाएंगे। जो ग्राफिक्स क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है आपको। कैलिपर तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपको पसंद आए। उसके बाद दोस्तों सेंसर जो आप दोस्तों मिली आपको पता ही है कि पार्किंग गेम है,
तो इसमें सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि बीप होनी स्टार्ट हो जाएगी जब आपकी जो कार है वो डैमेज होने की। उसको प्लेट आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको एक मिशन करके दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों आपको 3 मोड मिल जाते हैं, करियर, इम्पॉसिबल एंड रश, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा सेकंड करियर सीजन। हमें जो सीज़न 2 है उसे क्लियर करने के बाद ही ये जो ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाएगा। तो आपको जल्दी से मैं दिखा देता हूँ। गेम ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील आने वाली है गेम खेल के। सो जल्दी से जो गेम है देखिए, यहाँ पर आपको कंट्रोलर्स समझाए जा रहे हैं, मेरे लिए ट्यूटोरियल दिया जा रहा है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो गेम है इसके अंदर आपको वहाँ पे कार पार्क करनी है। सो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं सिंपली यहीं से ही। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक कैमरा मोड भी मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स का, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो ये 3 स्टार्स दे रखे हैं टाइम के हिसाब से, ये जो स्टार जैसे कि आपको देख रहे हैं कि 2 स्टार्स मिले हैं मेरे को, वो इसलिए क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा लिया है। ये स्टार्स का जो टाइम है वो अपने आप आपको दिखता रहेगा आप जब इसे प्ले करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।